हाय फ्रेंड्स, एरॉन्स के यूट्यूब चैनल पे आप सबका स्वागत है। मैं अंकित गुप्ता, आपका दोस्त और होस्ट, आज एरॉन्स HD सीरीज एम्पलीफायर के ऊपर एक रिव्यू वीडियो लेकर आया हूँ। इसमें चार प्रोडक्ट आते हैं। HD 4001 जो आपको 600 वॉट देता है 8 ओम्स पे पर चैनल, 1000 वॉट 4 ओम पर चैनल। इसको आप टॉप्स के लिए अच्छा यूज़ कर सकते हैं, मॉनिटर्स के लिए यूज़ कर सकते हैं। ये है HD 5001 जो आपको देता है 1000 वॉट 8 ओम पर, 1600 वॉट आपको देता है 4 ओम के ऊपर। इसके ऊपर आप लाइन अरेस बजा सकते हैं और काफ़ी अच्छा रिजल्ट है। फिर आप देखेंगे HD 7001, ये आपको देता है 1300 वॉट 8 ओम्स के ऊपर और 2000 वॉट 4 ओम्स के ऊपर। इस पर हम लोग स्पेशली रिकमेंड करते हैं सबवूफर के लिए। ये आता है HD 9001 जो कि आपको देता है 1500 वॉट 8 ओम्स के ऊपर, 2400 वॉट 4 ओम्स के ऊपर। ये भी सबवूफर के लिए है और इसमें स्पेशली हमने बेस एनहांसर लगा रखा है ताकि आपको एक दमदार पंचदार बेस मिले आपको। अब मैं आपको दिखाता हूँ HD 9001 इसकी कंस्ट्रक्शन किस तरह है। ये देखिए इसमें कितना बड़ा कॉपर का ट्रांसफार्मर लगा हुआ है और अब उसके साथ में देख सकते हैं दो चैनल फेडर एम्पलीफायर के मॉड्यूल हैं, एक लेफ्ट चैनल एक राइट चैनल के लिए। बीच में कैपेसिटर बैंक लगा हुआ है, कैपेसिटर भी हमारे हाई क्वालिटी के ऑडियो कैपेसिटर्स लगे हुए हैं। और जो एम्पलीफायर के अंदर हम ट्रांजिस्टर्स यूज करते हैं वो ऑनसेमी कंपनी के हैं जो कि काफ़ी लाजवाब हैं। इसमें दो एम्पलीफायर चैनल को ठंडा करने के लिए हर एक चैनल के पीछे एक एक फ़ैन लगा रखा है ताकि एम्पलीफायर जल्द से जल्द ठंडा हो सके। और ये लो नॉइज़ वाले फ़ैन है ताकि आवाज़ कम रहे। और अब मैं आपको इसके फ्रंट पैनल और रियर पैनल के बारे में भी बताता हूँ। अब हम इसका फ्रंट पैनल देखते हैं कि फ्रंट पैनल एल्यूमिनियम में बना रखा है जिसका फिनिशिंग और लुक काफ़ी अच्छा है। इसमें आप देख सकते हैं BIS सर्टिफाइड प्रोडक्ट है हमारा, BIS सर्टिफिकेशन नंबर भी डाला हुआ है। और फ्रंट में आप LED देख सकते हैं, इससे आपको पता लगेगा कि आपके एम्पलीफायर का आउटपुट कितना चल रहा है। अगर आप लिमिट पे जाते हैं तो लिमिट की लाइट जलेगी ताकि आप उसका आउटपुट कम कर सकें। ये प्रोटेक्शन के लिए हो गया, अगर आपके एम्पलीफायर में कोई प्रॉब्लम है तो उस चैनल को म्यूट कर देगा वो। ये इसके वॉल्यूम कंट्रोल्स हो गए हैं दो। ये ऑन ऑफ स्विच है, ऑन ऑफ स्विच जो हमने लगा रखा है ये स्पेशली MCB टाइप का है। अगर कोई प्रॉब्लम आती है आपके एम्पलीफायर में तो ये ट्रिप कर जाएगा, ये नॉर्मल ऑन ऑफ स्विच नहीं है, ये हम स्पेशल ऑन ऑफ स्विच लगाते हैं इसके अंदर। अब मैं आपको इसके रियर पैनल के बारे में बताता हूँ। अब हम एम्पलीफायर के रियर पैनल के बारे में बात करते हैं। ये आप देखिए फैन फिल्टर्स हैं और यहाँ से फैन को हवा जाती है। फैन फिल्टर्स को आप पीरियोडिकली साफ करा करें ताकि उस पर जो धूल मिट्टी है वो ना जमे, और वहाँ से हवा अगर प्रॉपर जाएगी तो फैन की कूलिंग बराबर रहेगी। उसके बाद आप देखेंगे ये इनपुट बोर्ड है। इनपुट बोर्ड में ये चैनल ए, ये चैनल बी, XLR और P38 सॉकेट, आपके पास दोनों ऑप्शन है, आप दोनों में से कोई भी यूज कर सकते हैं। यहाँ पे आप देखेंगे इसके मोड्स के सिलेक्शन है। पहला है चैनल, ये पहला है लिमिटर का, अगर आप इसका लिमिटर ऑन करना चाहते हैं ऑफ कर सकते हैं, दोनों ऑप्शन है। फिर आएगा सेंसिटिविटी, सेंसिटिविटी में तीन ऑप्शन है, 0.775, 32 dB और 36 dB। सबवूफर के लिए हम लोग सजेशन जो करते हैं वो 32 dB का करते हैं। फिर आप देखेंगे मोड आएगा स्टीरियो, पैरेलल और ब्रिज। सबवूफर जैसे हम सजेस्ट करते हैं वो करते हैं पैरेलल मोड के अंदर, उसके अंदर आपको प्रेशर अच्छा मिलेगा। फिर आपको मिलेगा यहाँ पे फिल्टर का 160 dB का, इसको आप ऑन करेंगे तो उसमें तीन ऑप्शन आएगी। पहली ऑप्शन आएगी सबवूफर, उसके अंदर आपका एम्पलीफायर खाली सबवूफर की फ्रिक्वेंसीज को अलाउ करेगा। सेकेंड है फुल रेंज, इसमें आपको 20 Hz से 20 kHz के सारी फ्रिक्वेंसीज मिलेगी। उसके बाद आता है सेटेलाइट, इसमें 160 Hz से आपको 20 kHz की फ्रिक्वेंसीज मिलेगी। फिर आपको देखेगा यहाँ पे लो फ्रिक्वेंसी एनहांसर जो हमने नया फीचर डाला है अपने एम्पलीफायर में, अगर हम इसको ऑन करते हैं तो 100 Hz के आसपास आपको एक अच्छा प्रेशर मिलेगा बेस का, जो कि सुनने में काफ़ी अच्छा लगता है। और यहाँ पर आप देखेंगे ग्राउंडिंग के लिए, ग्राउंडिंग अगर आपका एम्पलीफायर को चाहिए, आपने अर्थिंग दे रखी है तो ठीक है, वरना नहीं दे रखी तो उसको ऑन करके आप एक्सटर्नल ग्राउंडिंग दे सकते हैं। अब ये आएगा इसके आउटपुट बोर्ड में, अगर आप देखेंगे चैनल ए चैनल बी, चैनल ए से आप चैनल बी भी ले सकते हैं अगर आप चाहें तो, प्लस माइनस 2 के ऊपर आपको सिग्नल आ जाएगा क्रॉस इसके स्पीकर पे, और आप ब्रिज भी यूज़ कर सकते हैं, डिटेल हमने मेंशन कर रखी है। ये बाइंडिंग पोस्ट है इसकी और ये पावर के लिए है। ओवरऑल ये एम्पलीफायर जो है इंडियन कंडीशंस के हिसाब से हमने डेवलप किया है, जहाँ पे वोल्टेज फ्लक्चुएशंस काफ़ी होती है, जो लोगों की डिमांड होती है वो ज़्यादा आउटपुट के प्रेशर के लिए होती है। तो ओवरऑल जितने भी हमारे इंडियन कस्टमर्स हैं उनको ये काफ़ी एम्पलीफायर पसंद आता है। उम्मीद करता हूँ आज का हमारा HD सीरीज़ का वीडियो आपको अच्छा लगा हो। अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ इसको लाइक शेयर ज़रूर कीजिए यूट्यूब के ऊपर,
और हमें सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपके पास एरॉन्स के वीडियो लेटेस्ट टाइम टू टाइम आते रहें।